तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। और यार मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आखिर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं नोबिता रेसिडेंट ईवल 2 को और उसको अपने फ़ोन में बड़ी आसानी से खेल सकते हैं बिना किसी परेशानी के साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको दो ऐप चाहिए होंगे मेनली, एक तो आपका एमुलेटर जिसमें आप गेम को खेलेंगे, इजी आरपीजी प्लेयर, ये वाला एमुलेटर लगेगा उसके लिए। और दूसरा ऐप है ये जेड अचीवर जिससे फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। तो जो फाइल है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी जाके चेक करो और उसको डाउनलोड कर लो। और फिर ये तीनों की तीनों चीज़ें स्टोर करके रख लो। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, इजी आरपीजी प्लेयर और जेड अचीवर, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में से। तो जब आपके पास ये तीनों चीज़ हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, इजी आरपीजी प्लेयर को इसको खोलना है एक बार। और तब ना आपके में ये दोनों गेम अभी दिखा रहे हैं मेरे में, नोबियाज़ इंग्लिश और नोबियाज़ टू इंग्लिश, ये नहीं दिखाएगा तब आपके में, क्योंकि आपका अभी तक फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हुई होगी। तो बस इसको एक बार खोलने का मकसद यह था। तो इसके बाद जब आप बैक करोगे ना इसको खोल के, तो आपको फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इंटरनल में अपने आप ही। तो बस हमको वो फोल्डर चाहिए था। और फिर आप इसको बैकग्राउंड पे से हटा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको अपना जेड अचीवर ओपन करना है। और इसमें जहाँ पे भी आपने फाइल को डाउनलोड करके रखा होगा, इस नाम से होगी फाइल, नोबियाज इंग्लिश टू इंग्लिश वायर करके, 47 कुछ MB की। तो आपको इसको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे इसको और फिर यहाँ से बैक हो जाना है। और फिर आपका ये वाला फोल्डर बन जाएगा इजी आरपीजी का, इसमें आना है और इसमें गेम्स में आके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा, वरना फिर डबल डबल हो जाएगा। तो बस आपको एक्सट्रैक्ट कर देना, और फिर बस एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आपको बैक आ जाना है यहाँ से और इसको हटा देना है बैकग्राउंड पे से। और फिर अपना इजी आरपीजी दोबारा से ओपन करना है। और अब मैं की मैपिंग बता देता हूँ, उसके बाद आप में आपके फ़ोन में गेम आ जाएगा, दिखाना शुरू कर देगा यहाँ से। तो फिर यहाँ से अपनी सेटिंग में से सही कर लीजिएगा, वीडियो फोर्स के लैंडस्केप ओरिएंटेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपका ये जब भी गेम खेले तो ये लैंडस्केप मोड में चला आया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस गेम पर क्लिक करना और बस आपका गेम चल जाएगा। लेकिन आपके में अभी शिफ्ट की नहीं दिखाएगा इधर, जो ये ऐसा लिखी है जिससे आप गन वगैरह को चेंज कर सकते हैं और गन वगैरह इक्विप होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, होम बटन के बगल में जो ये होता है ना पीछे, मतलब बैक करने का बटन, इस पर क्लिक करना है एक बार। तो इधर से एडिट लेआउट पे क्लिक करना, फिर इधर, और फिर दोबारा से बैक पे क्लिक करके ऐड ए बटन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे आके ना ये शिफ्ट वाला बटन है, इसको ऐड कर देना बस। यहाँ पे आके फिर की मैपिंग हो जाएगी आपकी, फिर आपका की मैपिंग से शिफ्ट वाला बटन भी ऐड हो जाएगा। और चाहे तो आप नीचे फास्ट फॉरवर्ड वाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रखा है, जिससे गेम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। तो बस ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना। फिर सेव एंड क्विट पे क्लिक करना है, जब आपकी की मैपिंग हो जाएगी बस फिर आप अपने गेम को खेल सकते हैं आराम से। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई। और सीरीज चल रही है नोबिता डोरेमोन रेसिडेंट ईविल, अगर वो भी अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करना है। थैंक यू।